जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना गाकर उस महान जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए तालियां बजाते हुए गाने में दिल से भाग लीजिए। गाना नंबर 103, नारे लगाओ और गाओ रे। गाना नंबर 103, नारे लगाओ और गाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 के पास तुम आओ रे, जीवन से उलझा हुआ राही रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। गम का यारा सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। गम का यारा सब छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ जोड़ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। हालेलुया 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 हालेलुया। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। खुशियाँ वो बांट रहा है, प्रेम की धार वही है। हालेलुया 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 हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जान रे। लंबा सफर जिंदगी करे, सच्चाई कोई ना जान रे। हालेलुया 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 हालेलुया। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। आंखें ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया।
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गाना नंबर 104 रोज रोज गाऊं गाना नंबर 104 रोज रोज गाऊं रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम दुख से कराहता ये दिल पुकारता दुख से कराहता ये दिल पुकारता दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम हार जीत में पुकारे नाथ गाई नाम हार जीत में पुकारे नाथ गाई नाम भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गाना नंबर 18 तू मेरा परमात्मा गाना नंबर 18 तू मेरा परमात्मा तू मेरा परमात्मा पवित्र रोटी तू जिंदगी हमें दे अनंत रोटी तू ही सर्वस्व है प्रभु तू हमारे है तेरे बिना सब बिना सहारे है तू मेरा परमात्मा भगवान अपना हमें बुलाता है सब जग जन को गले लगाता है प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है हमें सभी सुख वही दिलाता है मेरा
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 गाना नंबर 123 बहुते आनंद हो गाना नंबर 123 बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो प्यार से कैलन स्वीकार अयोग्य हम पापी के प्यार से कैलन स्वीकार अयोग्य हम पापी के पाप की गहराई से हमें निकाल न हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो तेजी से धावत रली बहुते विनाश कियो तेजी से धावत रली बहुते विनाश कियो हमें बुलावे प्रभु दिखावे लन अपन प्यार हो बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो आपन वाणी सुने के मौका हमें दे बका आपन वाणी सुने के मौका हमें दे बका दिल सहारा खातिर जीवा हो जाला अधीर हो बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिल हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो बहुते आनंद हो प्रभु येसु जो दिल हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अबे सोचो जुबा से बाहर बहुते आनंद हो हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु धन्यवाद प्रभु येशु हालेलुया 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 गाना नंबर 84 तू प्यार का सागर गाना नंबर 84 तू प्यार का सागर तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तू प्यार का सागर सागर दया का तू है तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं हम तैरना चाहते हैं तू प्यार का सागर सागर दया का तू है
प्यारे का सागर, सागर दया का तू है, गहराई मिले सागर के, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर के, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई ना पहना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई ना पहना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है, सागर दया का तू है। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना नंबर 27, आदि और अंत तू ही है। गाना नंबर 27, आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, धन्य है यीशु, तू जिंदा है यीशु, तू सत्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, जीवन मेरा पाप से भरा, जगत मेरा अशुद्ध सारा, जीवन मेरा पाप से भरा, जग मेरा शुद्ध सारा,
पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मुझे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू सत्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। गाना नंबर 93, हम सबके आंसू। गाना नंबर 93, हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा जाता है, हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है, दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा जाता है, हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा जाता है। मन पीघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, मन पीघल के रोते समय, दुख के सागर में डूबते समय, दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास, दुखियों के दुखों को मिटाने वाला यीशु मसीह है मेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है, हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है। रोगों से जब छीड़ी तो हो तो रोग सया में वो हाजिर होते, रोगों से जब छीड़ी तो हो तो रोग सया में वो हाजिर होते, पीड़ित हो के बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास, पीड़ित हो के बेचैन हो तो पीड़ित यीशु है तेरे ही पास। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है, हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है। दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है, दर्द भरी ये जिंदगी में सांत्वन बन के वो आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है, हम सबके आंसू मिटाने को राजा
राजाधिराजा आ जाता है, राजाधिराजा आ जाता है, राजाधिराजा आ जाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना नंबर 29 सारी सृष्टि गाती है। गाना नंबर 29 सारी सृष्टि गाती है। मेरे पीछे हालेलुया होसाना बोलना है। सारी सृष्टि गाती है हालेलुया होसाना, मिलजुल कर वे गाते हैं हालेलुया होसाना, ऊंचे स्वर में गाते हैं हालेलुया होसाना, तारा मंडल गाते हैं हालेलुया होसाना, पृथ्वी पाताल गाते हैं हालेलुया होसाना, मानव जाति गाती है हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, मानव रक्षक यीशु जी हालेलुया होसाना, पाप मोचक यीशु जी हालेलुया होसाना, हर वरदायक यीशु जी हालेलुया होसाना, सौख्यदायक यीशु जी हालेलुया होसाना, करुणा सागर यीशु जी हालेलुया होसाना, विश्व रक्षक यीशु जी हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, मेरे प्यारे यीशु जी हालेलुया होसाना, मुक्ति दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, शांति दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन दाता यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन जल तू यीशु जी हालेलुया होसाना, जीवन रोटी यीशु जी हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी आप अपने जगह पर खड़े हो जाइए। अभी हम उस महान जीवते परमेश्वर को नाच गा करके धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए पूरे दिल से नाचते हुए झूमते हुए तालियां बजाते हुए उसकी महिमा कीजिए। ऊंचे आवाज में बोलिए हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है, तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है, वचन है तेरे दीपक मेरे मार्ग में मेरे उजियाला, वचन है तेरे दीपक मेरे मार्ग में मेरे उजियाला, तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है, तेरे ही वचन से भूख बुझी है, आत्मा को मेरे भोजन मिला है, सदा के लिए तृप्त हुआ है नया जी
जीवन दिया तेरे वचन ने, सदा के लिए तृप्त हुआ है। नया जीवन दिया तेरे वचन ने, तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। सदा करूँगा ध्यान वचन का, रात और दिन उसे दिल में रखूँगा। जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का रक्षक है। जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु, मेरी आत्मा का रक्षक है। तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन, कैसा है अद्भुत तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्ग चल ले जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चल ले जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग में हुए शांति, काली का कवनो भय नहीं के। स्वर्ग में हुए शांति, काली का कवनो भय नहीं के। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु येसु देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग का राजा प्रभु येसु देख निहारे नाचे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। स्वर्ग चलल जाई हम लोगन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। प्रभु का महिमा देखे सभी जन, प्रभु का महिमा देखे सभी जन। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन
प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु दिल मेरा भर दे प्रभु दिल मेरा भर दे प्रभु हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जिसने आकाश बनाया जिसने पृथ्वी बनाई जो सर्वशक्तिमान प्रभु है हो यहोवा हमारे संग संग है जो सर्वशक्तिमान प्रभु है हो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ समुंदर को जिसने दुभागा जंगल में से मार को निकाला समुंदर को जिसने दुभागा जंगल में से मार को निकाला जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है जो वादे को करता है पूरा वो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया लाजर को जिसने जिलाया जक्कई को जिसने बचाया जिसके लिए सब है संभव हो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब है संभव हो यहोवा हमारे संग संग है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु मेरे भाई और बहनों अपन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले ऐसे जगह पे खड़े रहना है हालेलुया 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 देखो उस परमेश्वर ने आज अपने को बुलाया है हाँ प्रभु इसके लिए अपन उस परमेश्वर की स्तुति करने वाले हैं धन्यवाद क्योंकि अपन खुद यहाँ पे नहीं आए तो परमेश्वर की कृपा अपने ऊपर हुई इसके लिए यहाँ तक अपन पहुँच पाए धन्यवाद उस परमेश्वर की अपन स्तुति करने वाले उसको महिमा करने वाले इसके लिए गाना गा के उसकी स्तुति करने वाले सबने गाने में नाच गा के भाग लेना है आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें आनंदित हो आज का दिन यहोवा ने बनाया है हम उसमें
आनंदितो प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान वह बड़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान, वह बड़े मैं घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे क्यों न कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम बाते रहे चाहे जहां भी रहे, उसको हम बाते रहे चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो। मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ। देखो, परमेश्वर ने अपने को बनाने से पहले शब्दों से सारी सृष्टि बनाई। धन्यवाद। अपने को दिन में देखने के लिए सूरज बनाया। धन्यवाद। रात में देखने के लिए चांद और तारे बनाए। धन्यवाद। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम का महिमा करो। देखो, परमेश्वर अपने पर अमर्यादा ऐसा प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपने लिए पेड़ पौधे बनाए, धन्यवाद। नदियाँ बनाई, धन्यवाद। झरने बनाए, धन्यवाद। पहाड़ बनाए, धन्यवाद। इस क्रिस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद सर के पिता। उसकी स्तुति करो, उसके नाम का प्रशंसा करो। धन्यवाद। देखो, इस परमेश्वर ने अपने लिए पंछी बनाए, अनेक प्रकार के प्राणी बनाए, धन्यवाद। अनेक प्रकार के फूल और फल बनाए। इस क्रिस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद सर। उसकी स्तुति करो। देखो, इस परमेश्वर ने अपने लिए समुन्दर बनाया और समुन्दर में विविध प्रकार के मछली बनाई। इस क्रिस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, स्तुति कर, उसके नाम का महिमा करो, नाम की महिमा करो। देखो, अपने को हर चीज परमेश्वर मोफत देता है। बारिश गिरा के मोफत पानी दे रहा है, हवे मार्फत मोफत ऑक्सीजन मिल रहा है। धन्यवाद प्रभु। इस क्रिस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसके नाम का महिमा करो। उस परमेश्वर का अपन गाना गा के ऊंचा उठाने वाले सबने गाने में भाग लेना है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा प्रणाम हे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा प्रणाम हे प्रभु। परम पिता ने दी पवित्र रोटी, तू जिंदगी हमें दे अनंत रोटी। तू ही सर्वस है प्रभु, तू हमारे तेरे बिना सब बिना सहारे। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा प्रभु।
अपना हमें बुलाता है, सब जग जन को गले लगाता है। प्रभु हर विपदा सदा मिटाता है, हमें सभी सुख वही दिलाता है। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा प्रणाम हे प्रभु। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा आधार, गा उठी मेरी आत्मा प्रणाम हे प्रभु, प्रणाम हे प्रभु, प्रणाम हे प्रभु। मेरे भाई और बहनों, देखो उस परमेश्वर ने उसके प्रति रूप जैसा आपने को बनाया, सर से बाल से लेके पाव के नखुन तक संपूर्ण शरीर से परिपूर्ण किया, इसके उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, उसकी स्तुति करो, उसके नाम का महिमा करो। देखो उस परमेश्वर ने अपने को सोचने के लिए अच्छी बुद्धि दी, सर पे अच्छे काले बाल दिए, इसके उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। उस परमेश्वर ने अपने को सारी सृष्टि देखने के लिए अच्छे दो आंख दिए, श्वास लेने के लिए अच्छा नाक दिया, धन्यवाद। उसका पवित्र नाम सुनने के लिए अच्छे कान दिए, धन्यवाद। उसका पवित्र नाम लेने के लिए अच्छा मुख दिया, धन्यवाद। इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। इसकी स्तुति करो, उसकी प्रशंसा करो। देखो इस परमेश्वर अपने पन काम करने के लिए अच्छे हाथ दिए, चलने फिरने के लिए अच्छे पैर दिए, धन्यवाद पिता। इस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। उस परमेश्वर ने अपने को सृष्टि पे अकेला व अनाथ ऐसा नहीं छोड़ा, हाँ प्रभु। तो अपना संभाल करने के लिए अच्छे माता पिता दिए, धन्यवाद। अच्छे भाई बहन दिए, धन्यवाद। अच्छे रिश्तेदार दिए, धन्यवाद। अच्छे पड़ोसी दिए, धन्यवाद। अच्छा पति दिया, अच्छे औरत दिए, अच्छा परिवार देके आशीषित किया, धन्यवाद। इस कृष्ण परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, स्तुति करो, उसके नाम का महिमा करो, नाम की महिमा करो। देखो उस परमेश्वर ने अंधकार से उसके दिव्य प्रकाश में लाया, इस कृष्ण परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद। उसकी प्रशंसा करो। देखो परमेश्वर अपने पर अमर्यादा ऐसा प्रेम करता है, हे प्रभु यीशु, तो अच्छा है, तो अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, तो राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, तो प्रभु का प्रभु है, प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारा, तू ही हमारा मुक्तिदाता है, मुक्तिदाता है, तू हमारा, तू ही हमारा शांतिदाता है, शांतिदाता है, तू हमारा, तू ही हमारा उद्धार करता है, उद्धार करता है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे वजह से, हम तेरे वजह से, हमको हमको पाप की पाप की क्षमा मिल गई, क्षमा मिली है, तेरे वजह से, तेरे वजह से हमको हमको स्वर्ग में, स्वर्ग में जाने का मार्ग मार्ग खुला हो गया, खुला हो गया। तेरे वजह से, तेरे वजह से हमारा नाम, हमारा नाम जीवन के, जीवन के किताब में, किताब में लिखा गया, लिखा गया। तू हमारा, तू हमारा स्वर्गीय, स्वर्गीय आबा है, आबा है। तू हमारा, तू हमारा पिता है, पिता है। हम तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, बच्चे हैं। उस परमेश्वर का अपन गाना गा के उछावटा मेरे सबने गाने में भाग लेना है। हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे, हालेलुया, स्तुति करेंगे यीशु जी की, स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे, सदा स्तुति करेंगे और सदा तुझे याद करेंगे। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर तेरे लिए जिएंगे। हालेलुया, स्तुति करेंगे
यीशु जी की स्तुति करेंगे, हालेलुया स्तुति करेंगे, यीशु जी की स्तुति करेंगे, हालेलुया 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 और तू नबी बाया क्रूस पर जीवन दिया और तू नबी बाया पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे दिया पाप मिटा कर पवित्र करके मुक्ति भी दे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की स्तुति करेंगे हालेलुया स्तुति करेंगे यीशु जी की स्तुति करेंगे हालेलुया 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 मेरे भाई और बहनों तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। उस प्रभु यीशु के दुख सहन के लिए अपन जाने वाले हैं। हाँ प्रभु। इसके लिए शरीर की आंखें बंद करो और अंत करने की आंखों से यीशु मसीह को देखने का प्रयास करो। हाँ प्रभु। जब अपन दुख में थे, हाँ प्रभु, बीमारी में थे, हाँ प्रभु, शैतान के मिट्टी में थे, हाँ प्रभु, पाप करके एक दिन अपने शरीर का आत्मा का नाश होने वाला था। हाँ प्रभु। अपना आत्मा अनंत काल शैतान के नरक में जाने वाला था। हाँ प्रभु। लेकिन अपने को बचाने के लिए, अपने को पाप की क्षमा देने के लिए और अपना आत्मा अनंत काल स्वर्ग में लेके जाने के लिए अपने निर्माण करते परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार पे भेजा। धन्यवाद प्रभु। देखो यीशु मसीह भगवान होके भी सब कुछ छोड़ के अपने लिए दारिद्र बन गया। हाँ प्रभु। अपने लिए उसने चरणी में जन्म लिया। हाँ प्रभु। अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह 30 बरस उसने सामान्य जीवन बिताया। हाँ और 30 बरस के बाद यीशु मसीह ने चमत्कार दिखाना हाँ चालू किया। धन्यवाद। जिसके लिए इस धरती पे आए थे, यीशु मसीह ने पहला चमत्कार काना इस गांव में पानी का द्राक्षरस बनाया। हाँ प्रभु। अंधों को दृष्टि दी। हाँ प्रभु। मरे हुए को उठाया। हाँ पिता। 38 बरस जो पंगु मनुष्य था यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। हाँ प्रभु। 18 बरस जो शैतान के मिट्टी में जो औरत थी यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। हाँ प्रभु। कुष्ठ रोगी को शुद्ध किया। हाँ प्रभु। समुद्र और हवा को धमकाया। हाँ और वो शांत हो गई। हाँ प्रभु। ऐसे अनेक चमत्कार दिखा के यीशु मसीह ने साबित किया कि परमेश्वर का पुत्र है। हाँ प्रभु। और जिसके लिए यीशु मसीह धरती पे आए थे वो शैतान और मनुष्य के बीच में खड़े रहे। हाँ प्रभु। और यीशु मसीह ने शैतान को कहा कि जो मनुष्य का तू सजा देने वाला है मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। अपने लिए, अपने को बचाने के लिए यीशु मसीह खुद शैतान के स्वाधीन हो गए। धन्यवाद। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे और वही लोग यीशु मसीह को पूछ रहे थे कि नासरुद्दीन यीशु कहाँ है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ। उसी दौरान वो पीछे गिर गए क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर था। हाँ प्रभु। पेत्र ने एक सिपाही का कान काटा, यीशु मसीह ने वापस था ऐसा लगा दिया। हाँ प्रभु। क्योंकि वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर था। हाँ प्रभु। लेकिन अपने लिए खुद वो स्वाधीन हो गए। हाँ वो लीन बन गए, नम्र हाँ बन गए। जब यीशु मसीह के हाथ और पैर में जंजीर डाले, उसको पकड़ा गया। हाँ प्रभु। देखो अपने अंत करने से आंखों से मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ प्रभु। लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे। हाँ प्रभु। आग बांध के उसको मार रहे थे और कह रहे थे कि तू परमेश्वर का पुत्र है, अंतर्ज्ञानी परमेश्वर है। हाँ तो पहचान तेरे को कौन मार रहा है। हाँ प्रभु। लेकिन यीशु मसीह ने एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ प्रभु। क्योंकि वो संपूर्ण मानव जात उसको शैतान के बंधन से छुड़ानी थी। हाँ इसके लिए वो नील वन नंबर बन गए। अपने लिए उसके कपड़े उतार दिए। अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो। अपने लिए यीशु मसीह ने कोड़ों का मार खाया। हाँ प्रभु। जब वो कोड़े मारते थे उसका मांस और लहू बाहर आता था। हाँ प्रभु।
अपने लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। आज वही पवित्र लहू से हर इंसान को पाप की क्षमा मिलती है। हाँ प्रभु, जो कोई उसके ऊपर विश्वास रखता है उसके पवित्र लहू से उसके पाप धो डालते हैं। हाँ प्रभु, अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो, कितनी दर्द कितनी तकलीफ होती होगी उसको, जिस बुद्धि से अपन गलत सोचते थे, दूसरे का घात पात करने के सोचते थे, लेकिन उसके सर पे विषारी कांटे का मुकुट डाला गया। हाँ प्रभु, वो मुकुट नहीं जा रहा था तो ऊपर से कांटे से दबा रहे थे। हाँ प्रभु, वेतों से कांटे से ऊपर से मार रहे थे। देखो अपने को थोड़ा भी लगा होगा और किसी का हाथ और पैर लगता है तो कितनी दर्द होती है। यीशु मसीह के सर पे जो कांटे का मुकुट है और उसको ऊपर से वेतों के कांटे से मार रहे थे, कितनी दर्द कितनी तकलीफ होती होगी, फिर भी अपने लिए वो सहता गया। धन्यवाद, अपने को छुड़ाने के लिए धन्यवाद, वो सब सहता गया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। और अपने सब पाप यीशु मसीह ने अपने खंधे के ऊपर ले लिया। वो क्रूस नहीं था तो तुम्हारा मेरा सब मानव जात का पाप उसने अपने खंधे पे लिया। धन्यवाद प्रभु। और जब वो क्रूस लेके जा रहे थे उसके शरीर से लहू बह रहा था, उसके पैर में जूते भी नहीं थे, उसे दौरान उसके पैर में पत्थर लग रहे थे, कांटे चुभ रहे थे, लोग मजाक कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो। धन्यवाद प्रभु। उसी दौरान उसको ठेस लगी, वो नीचे गिरा, वो क्रूस के नीचे दब गया, लेकिन वो अपने लिए वापस उठता। धन्यवाद, वापस उठा गया। धन्यवाद। अपने अंत करने से आंखों से देखो। और जब वो क्रूस लेके जा रहा था कई औरत रो रही थी, यीशु मसीह ने कहा कि मेरे लिए मत रोना, अपने होने वाले बीबी बच्चे के लिए रो। गीले पेड़ की ये स्थिति होती है तो सूखे पेड़ की क्या स्थिति होगी। उसी दौरान सबको बता रहा था और ऐसी स्थिति में वो क्रूस लेके काठवाड़ी की टेकड़ी चढ़ा। हाँ प्रभु, दो चोरों के बीच में वो चोरों ने खून अपराध किया था इसके लिए उनको सजा हुई थी, लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था, वो निष्पाप थे। हाँ प्रभु, लेकिन अपने सब पाप उसने अपने ऊपर ले लिया था। धन्यवाद। जिस हाथों से अपन दूसरे को मारा उसके पवित्र हाथों पे ठोकदार खिले ठोक दिए। कितनी दर्द होती होगी याद करो, वो खिले जब भी उसके हाथों से पार चले गए कितना दर्द होता होगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। जिस पैर से अपन गलत मार्ग से चले गए उसके पवित्र पैर पे खिले ठोक दिए। हाँ प्रभु, देखो यीशु मसीह को हाथ और पैर से लहू बह रहा था, दोपहर का समय था, बहुत दर्द हो रहा था, फिर वो यीशु मसीह अपने लिए सहता गया। हाँ प्रभु, अपने अंत करने से आंखों से देखने का प्रयास करो। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरणी में तूने जन्म लिया प्रभु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिला।
हरे सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना हम पर यीशु कृपा करना हम पर यीशु कृपा करना हम है पापी निकाय हम है पापी निकाय हम है पापी निकाय मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना शांति दिलाए सुना मेरे भाई और बहनों अपने अंत करने से आँखों से देखो कितनी दर कितनी तकलीफ यीशु मसीह ने अपने लिए सहली। धन्यवाद। उसके हाथ और पैर से लहू आ रहा था। लोग उसकी मजाक उड़ा रहे थे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे आ जा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि बापा वो क्या करते उनको पता नहीं उनको क्षमा करो। उस स्थिति में यीशु मसीह ने लोगों को क्षमा की। धन्यवाद प्रभु। अपने अंत करने से आँखों से देखो यीशु मसीह को प्यास लगी उसने पानी मांगा लेकिन उसको पानी नहीं तो आम दिया गया। अपने अंत करने से देखो इसको ले उस परमेश्वर की अपन आराधना लेने वाले हैं। इसके लिए शक्य हो तो सबने घुटने पे आना है। वो परमेश्वर अपने पर अमर्यादा ऐसा प्रेम करता है। आज अपन जीवित है ये परमेश्वर का प्यार है। हाँ, एक बार माँ अपने बच्चे को भूल सकती है लेकिन परमेश्वर अपने को नहीं भूला। हाँ प्रभु। उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना उठाते हैं तेरा नाम तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया हालेलुया आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन मिलकर हम गाए प्रभु की स्तुति हो मिलकर हम गाए हालेलुया
मेरे भाई और बहनों, तुम्हारा पूरा ध्यान परमेश्वर के पास लगाओ। अपने लिए उसने अनंत ऐसी वेदना सहली, अपने लिए उसने अपना खुद प्राण परमेश्वर पिता के पास अर्पण किया, लेकिन उसने अपने जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया था। इसके वजह से उसके ऊपर मरने की सत्ता नहीं चली, तो तीसरे दिन वापस जीवित उठे। देखो, यीशु मसीह ने जीवित उठने के बाद अनेक लोगों को दर्शन दिया, अपने चेले को दर्शन दिया। 40 दिन चेले के साथ बिताए, 40 दिन चेले के अंदर जो डर था, डर निकल दिया। हाँ प्रभु। और 40 दिन बिताने के बाद यीशु मसीह अपने चेले के साथ स्वर्ग में जाते समय यीशु मसीह ने चेले को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सब अधिकार मुझको दिया गया है। हाँ प्रभु। स्वर्ग और पृथ्वी की सब किल्ली मेरे हाथ में है। हाँ प्रभु यीशु। मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और तुमको सत्य का कई बार पवित्र आत्मा दूंगा। हाँ प्रभु। मैं जाने के बाद डरना मत, एक कमरे में जाके प्रार्थना करके बैठो। और यीशु मसीह उनके आंखों के सामने स्वर्ग में चले गए। हाँ प्रभु। और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के बाद वो डर के मारे कमरे में जाके प्रार्थना करके बैठे। और यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो पूरा किया। 50वें दिन मतलब पेंटिकवें दिन स्वर्ग खुला हो गया। हाँ प्रभु। और स्वर्ग से पवित्र आत्मा आ गया। हाँ पिता। और जिस कमरे में वो चले बैठे थे सबको पवित्र आत्मा मिल गया। हाँ और पवित्र आत्मा से भर गए। और वही यीशु मसीह ने वादा किया था, जो कोई मुझके ऊपर विश्वास करेगा उसको मैं सत्य का कई बार पवित्र आत्मा दूंगा। और वही यीशु मसीह आज भी वादा पूरा कर रहे। देखो, आसमान खुला हो गया है, स्वर्ग से पवित्र आत्मा आ रहा है। हे प्रभु यीशु, सब भाई बहन को तेरे पवित्र आत्मे से, सामर्थ्य से, वरदानों से भर दो। मांगो परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा, बुलाओ अपने अंतःकरण में। देखो, सत्य का कई बार पवित्र आत्मा आ रहा है तुम्हारे अंतःकरण में, आ रहा है तुम्हारे अंतःकरण में। स्वीकार करो उसका, स्वीकार करो। बुलाओ अपने अंतःकरण में, बुलाओ अपने अंतःकरण में, बुलाओ अपने अंतःकरण में। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे,
शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। मुक्ति मुझे दे दे। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 और 2। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 और 2 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह यानी परमेश्वर पिता काट डालता है यानी निकाल देता है, और जो डाली मुझ में है और फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारा जीवन किस रीति से होना चाहिए यह इस वचन में प्रभु यीशु बता रहा है। हम जब अंधकार में थे, अलग जीवन बिता रहे थे, प्रभु यीशु में आने के बाद, प्रकाश की रोशनी की संतान बनने के बाद अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए यह इन वचनों में प्रभु यीशु ने बताया है। वो दाखलता है और उसका पिता किसान है। प्रभु यीशु अपने आप को दाखलता बोल रहा है। पिता यानी परमेश्वर पिता वह किसान है, और यीशु पर विश्वास रखने वाले सारे लोग इस दाखलता की डालियां है।
प्रभु कहता है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह निकाल देता है। परमेश्वर पिता किसान है और इसीलिए वो ये काम करता है कि जो डाली यीशु में है पर फलती नहीं है उसे वह काट डालता है, निकाल देता है, और जो डाली यीशु में है और फल रही है उसे वह छाटता है, यानी उसके अंदर जो भी बुराई है उसे निकाल के और अच्छा बना देता है, ताकि उसको जो फल आ रहे हैं वो बढ़ते जाए और बढ़ते जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु खुद दाखलता है और यीशु पर विश्वास करने वाले लोग डाली है, तो इसका मतलब ये है कि यदि हमने फल नहीं दिया है तो हम इस दाखलता में हमेशा नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दाखलता की रखवाली करने वाला और उसे छाटने वाला और उसे काटने वाला परमेश्वर पिता खुद किसान है। वो देखता है कौन सी डाली फल लाती है और कौन सी डाली फल नहीं लाती है, और इसी वजह से यीशु पर विश्वास करने वाले लोग बहुत होते हैं पर अंत तक बने रहने वाले लोग थोड़े होते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता किसान है, वो कौन सी डाली काटना है और कौन सी डाली छाटना है ये अच्छे से देखता है, और वो हर दिन अपना काम बराबर करते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद हमारे जीवन की समस्याएं निकल जाती है, दुख निकल जाता है, बीमारियां निकल जाती है, और ये सारी बातें देखकर लोगों को बड़ी खुशी होती है और वे अपने विश्वास को प्रकट भी करते हैं कि हमने यीशु पर विश्वास किया है। पर आप जानते हैं, यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो इसका मतलब ये है कि आप एक दाखलता की डाली बन गई हो, और अभी आपका फर्ज है कि आपको फल लाना है। जिसने आपको लगाया है उसको आपको फल देना है। कोई किसान आम का पेड़ इसीलिए लगाता है कि वो उस पेड़ से आम की उम्मीद रखता है। किसान अपनी खेती में खेती इसलिए करता है कि वो फल की उम्मीद रखता है। बिना उम्मीद कोई यह काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वास्तविकता में परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया था, इसलिए निर्माण किया था और इसलिए धरती पर भेजा था कि मनुष्य एक परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर धरती पर रहे और उसके द्वारा संसार में परमेश्वर की महिमा हो जाए। परमेश्वर ने किसी प्राणी या पंछी को अपना प्रतिरूप नहीं बनाया, बल्कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपना प्रतिरूप बनाया। दुनिया का पहला मानव आदम, उसे परमेश्वर ने इसलिए बनाया और अपने प्रतिरूप के अनुसार इसलिए रचा कि उसके द्वारा धरती पर परमेश्वर की महिमा हो जाए, परमेश्वर को उसके द्वारा एक अच्छा फल प्राप्त हो जाए। पर मनुष्य के अंदर बुराई ने प्रवेश कर लिया, मनुष्य बिगड़ते गया, बिगड़ते गया, बिगड़ते गया, और इस सच्चाई को भूल गया कि मुझे किसने बनाया है, किसने मुझे धरती पर भेजा है और उसका मकसद क्या है। हालेलुया, हालेलुया। आज लोग क्या देखते हैं, हर मनुष्य का मकसद एक ही होता है, अमीर बन जाओ, दुनिया में धनवान बन जाओ, सम्मानित व्यक्ति बन जाओ, बड़ा बनना। बड़ा यानी किस रीति से, बहुत पैसा कमा कर, चाहे सही रास्ते से कमाओ या गलत रास्ते से कमाओ। पर बहुत पैसा कमा कर लोग अपने आप को धनवान बनाना चाहते हैं और दुनिया की एक सम्मानित और बड़े व्यक्ति बनाना चाहते हैं। अब भारत के हो या अमेरिका के हो,
इंग्लैंड के हो या जापान के हो, धरती के किसी भी देश में आप जाओ, लोगों के दिल में बस यही एक इच्छा होती है और इसी मकसद को लेकर वे अपना एक एक दिन आगे धकेलते हैं। इसलिए तो लोग मौत को बहुत डरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिसने अपने जिंदगी को सच्चे जिंदगी के सच्चे मतलब को जान लिया है, वो मौत को डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है मैं धरती पर भी परमेश्वर की महिमा के लिए हूँ, और यदि ये जीवन खत्म हो जाएगा मैं स्वर्ग में जाऊँगा और वहाँ भी अनंत काल परमेश्वर की महिमा करता रहूँगा। हालेलुया, मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए है, मेरा हर नया दिन परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो व्यक्ति सच्चाई को जानता है वो मौत को डरता नहीं है। दुनिया के ज़्यादातर लोग मौत को डरते हैं क्योंकि उनका मकसद यही होता है, बस धनवान बन जाओ, अमीर बन जाओ, सम्मानित बन जाओ, बड़ी व्यक्ति बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें धरती पर क्यों भेजा है, उसका मकसद क्या है, हमें क्या करना है? बस खाते पीते जाना, पैसा कमाना, अमीर बनना, क्या ये मकसद है? क्या इसलिए परमेश्वर ने हमको धरती पर भेजा है? यदि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है तो हम और जानवर उनमें कोई अंतर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आदि मानव को परमेश्वर ने बनाया, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो परमेश्वर का प्रतिरूप बनकर धरती पर चलता रहे और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती जाए, जो हुआ नहीं, क्योंकि आगे जाकर मनुष्य में बुराई पैदा हो गई और मनुष्य बुरा ही बनते गया, अधर्म से भरते गया। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा। यीशु मसीह इंसान बना, धरती पर आया, उसने मनुष्यों के पापों का सारा बोझ लेकर क्रूस पर बलिदान किया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर मनुष्य को पाप की क्षमा मिल जाए, वे अधर्म से मुक्त हो जाए, पाप की गंदगी उनकी आत्मा से निकल जाए और फिर एक बार वे सच्चे अर्थ से परमेश्वर के प्रतिरूप के समान बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमारे पापों को मिटाया जाए, यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा हो जाए। हम जो गंदे थे, बुरे थे, अधर्मी थे, हम साफ सुथरे बन जाए, शुद्ध बन जाए, धर्मी बन जाए और सचमुच जैसा परमेश्वर है वैसा उसका स्वभाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए। कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप के अनुसार बनाया है, इसका मतलब हमें 2 आँखें दी है, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रतिरूप यानी 2 आँखें, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसा नहीं, क्योंकि परमेश्वर तो आत्मा है, तो उसके पास शरीर कहाँ से है। परमेश्वर का प्रतिरूप, इसका सच्चा मतलब यह है कि उसका स्वभाव हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। वो कैसा प्रेम करता है, वो कैसा दया करता है, उसे कैसी तरस आती है, वो कैसे करुणा से भरा हुआ है। हम एक कुत्ते के बारे में नहीं बोल सकते कि वो बहुत प्यार करता है, हम एक बिल्ली के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि उसके दिल में करुणा भरी है। कोई जानवर, पंछी, प्राणी परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट कर सकता है। यह है परमेश्वर का प्रतिरूप। हमारे 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, ये परमेश्वर का प्रतिरूप नहीं है, बल्कि यदि हमारे अंदर वो तरस, वो प्रेम, वो भावना, वो करुणा जब आती है जो परमेश्वर के अंदर है, तब हम सच्चे अर्थ से परमेश्वर के प्रतिरूप बन जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि एक माँ के दिल में ममता होती है, ये ममता कहाँ की है?
परमेश्वर के दिल में होती है वो। हमें किसी के लिए तरस आता है, वो कहाँ से आता है? ये तरस पहले परमेश्वर के दिल में है। परमेश्वर के दिल की भावनाएं, परमेश्वर के दिल का प्रेम वो मनुष्य में डालना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु पर विश्वास करने के बाद जब हम पापों की क्षमा पाते हैं और हमारे अधर्म से मुक्त हो जाते हैं, तब वो परमेश्वर चाहता है अभी हम सच्चे अर्थ से उसे फल देना शुरू करें। इसका मतलब ये है हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो जाए और हम सही अर्थ से उसके प्रतिरूप बन जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। पर कितने सारे विश्वासी लोग इस सच्चाई को समझते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि यीशु पर विश्वास करके जीवन जीना, इसका मतलब ये है कोई परेशानी आए तो प्रार्थना करो, कोई संकट आए तो प्रार्थना करो, कुछ चाहिए तो मांगो और वो हमारी सुनेगा, हमें देगा। इतना ही सीमित अर्थ वे जानते हैं। ये सही है कि संकट के समय, मुसीबत के समय या हमारी ज़रूरतों के समय हमें परमेश्वर को पुकारना है, उस पर निर्भर रहना है, उसके पास मांगना है और हमारे विश्वास के अनुसार वो हमें देता भी है। पर इतना अर्थ सीमित नहीं है। एक विश्वासी बनने का अर्थ ये है कि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिलना चाहिए। जिस परमेश्वर ने इस दाखलता में हमें एक डाली के रूप में लगाया है, उस परमेश्वर को हमें फल देना ज़रूरी है। और फल यही है कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव प्रकट हो जाए, हम अपने आप को बदलते जाए, हमारे अंदर से बुराई निकलते जाए और जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसे हम बन जाए, ताकि धरती पर हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि तुम्हारे कामों को देखकर परमेश्वर पिता की महिमा हो जाए। हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हमारा बर्ताव ऐसा होना चाहिए, हमारा चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि हमारे द्वारा धरती पर परमेश्वर की महिमा हो जाए, तब जाकर परमेश्वर को हमने सच्चा फल दे दिया। पर कितने सारे विश्वासी लोग इतना ही जानते हैं कि संकट मुसीबत के समय हम प्रार्थना करें, पर हमें अपने आप को बदलना है, हमारी बुराई को निकाल देना है और हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते रहना है, ये परमेश्वर को सही अर्थ से फल देना है, इसे नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन की डाली को फूल भी आते हैं पर फल नहीं आता है। आप विश्वासी बन गए हैं और अच्छी प्रार्थना करने लगे हैं, इसका मतलब आपके डाली को फूल आ गया है। आप विश्वासी बन गए और आप बहुत बाइबिल पढ़ने लगे, इसका मतलब आपके डाली को फूल आ गया। फल कब आएगा? आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, इसका मतलब आपके डाली को फूल आ गया। बाइबल का अनुकरण करना शुरू करोगे तब फल आ जाएगा। बाइबल पढ़ना फूल है और बाइबल को मानना और उसके अनुसार चलना ये फल है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये फूल आ गया। आपकी प्रार्थना बहुत बढ़ रही है और अच्छे से आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा फूल आ गया है मेरे डाली को। पर जब ये प्रार्थना तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, आप दूसरों के साथ प्रेम करना शुरू करोगे, दूसरों को क्षमा करना शुरू करोगे और आपके दिल में दूसरों के लिए ये तरस पैदा हो जाएगा कि मुझे इसके लिए प्रार्थना करनी है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपका दिल जब दूसरों के लिए तरस से भर जाएगा और आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना शुरू करोगे, आपके जीवन को फल आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो दूसरों के लिए प्रार्थना करना ही नहीं चाहते हैं। वो जब प्रार्थना करते हैं बस मेरा मेरा मेरा, मेरे बच्चों को ये मिल जाए, मेरे घर में ये हो जाए, मेरा मैं बोलते रहते हैं।
पर दूसरों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए और अपने आसपास जितने सारे दुखी कष्टी लोग हम देखते हैं, अंधकार में चलने वाले लोगों को देखते हैं, उनके लिए उनके दिल में ज़रा भी तरस नहीं आता है। एक औरत को मैंने ऐसा बोलते सुना कि वो कहती है, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं बस अपने लिए और अपने परिवार के लिए करती हूँ। क्या कोई अपने हमारे लिए प्रार्थना करता है क्या? यदि दूसरे हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते हैं तो हम दूसरों के लिए प्रार्थना क्यों करें? वो आराम से बोलती है, दूसरे हमारे लिए प्रार्थना नहीं करते तो हम उनके लिए प्रार्थना क्यों करें? इसका मतलब आपकी प्रार्थना आपके डाली का फूल है, अभी तक ये फल नहीं बना है। फल कब आएगा? जब आपके द्वारा दूसरों के जीवन में परमेश्वर की महिमा होना शुरू हो जाएगा, तब आपके डाली को फल आ गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रेम, ममता, दया, तरस, ये बातें मैं आपको सिखा रही हूँ, इससे ही नए नियम में आगे जाकर पवित्र आत्मा के फल कहा गया है। प्रेम ये पवित्र आत्मा का फल है, दया, करुणा, ममता, क्षमा करना, ये सारे पवित्र आत्मा के फल है। और यही बात प्रभु हमें सिखा रहा है, परमेश्वर पिता हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। यदि हमारे डाली को फल आ रहे हैं तो वो खुश होता है, वो छाट कर हमें साफ सुफ कर देता है, ताकि और हम ज़्यादा फल ला सके और बड़े पैमाने में फल ला सके। हालेलुया। और ऐसी डालियां जो फल देती ही नहीं है, बस उसे फूल आ रहे हैं पर फल नहीं आ रहे हैं, ऐसे डाली को कुछ समय दिया जाता है। फल लाने के लिए कई समय दिया जाता है, पर उतने समय में यदि उन्होंने फल नहीं लाया, परमेश्वर पिता उसे निकाल देता है, उस जगह पर दूसरी डालियां लगाई जाती है। हालेलुया। और इसलिए मैंने आपको कहा कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग बहुत हैं, पर अंत तक विश्वास में बने रहने वाले लोग बहुत थोड़े हैं, क्योंकि वे नहीं जानते हैं कि हमें अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल देना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ प्रार्थना में आने वाले कई लोग हैं जो बाहर जाने के बाद दूसरों को यहाँ प्रार्थना में लाते हैं, दूसरों की परेशानी देखते हैं, दर्द देखते हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाते हैं और उन्हें यहाँ पे लाते हैं। उनके द्वारा दूसरे लोगों का भी जीवन बदल जाता है, उन्हें भी आशीष मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मनुष्य के द्वारा परमेश्वर पिता को फल मिल रहा है। हालेलुया। यदि आप बोल सकते हैं कि मैंने आज तक 25 लोगों को सुसमाचार सुनाया है और मैंने मेरे बताने के बाद एक 10 लोग प्रभु यीशु के पास आए हैं, इसका मतलब आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिल गया है। आप बोल सकते हैं, मैंने 10 लोगों को यीशु के पास लाया है, 25 लोगों को प्रभु यीशु के पास लाया है, मैंने 50 लोगों को यीशु के बारे में बताया है, इसका मतलब आपके जीवन को फल आ रहा है। और यदि आप सोचते हैं बस मेरा काम हो जाएगा, उतना काफ़ी है, इसका मतलब आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, आप बस परमेश्वर से लेना जानते हैं, उसको देना नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता किसान है। एक किसान क्या काम करता है? वो दाखलता की अच्छी रखवाली करता है, पानी डालता है, खाद डालता है, उसकी ज़रूरतें क्या है वो देखता है, और साथ ही साथ फल न देने वाली डालियों को निकाल देता है, अच्छी फलने वाली डालियों को छांटता है। और ये सब काम करने वाला परमेश्वर पिता है, और इसीलिए हमें बेहोश हालत में नहीं रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना कितनी कर रहे हैं और बाइबल कितने पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपके द्वारा परमेश्वर का स्वभाव कितना प्रकट हो रहा है और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा कितनी हो रही है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिनके घर में से दूसरे लोग विश्वास नहीं करते हैं, एक ही व्यक्ति विश्वास करती है, और वह व्यक्ति सालों साल प्रार्थना में आती रहती है,
सालों साल प्रार्थना में आती है। वो कहती है, मैं घर में प्रार्थना करती हूँ, बाइबिल पढ़ती हूँ, पर मेरे घर वाले विश्वास नहीं करते हैं, मुझे सताते हैं। ये कब तक चलता रहेगा? एक साल, दो साल, पाँच साल, सालों साल घर की एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास करती है, बाकी लोग विश्वास नहीं करते। और बाद में जाकर पता चलता है यह व्यक्ति घर वालों के साथ गलत बर्ताव करती है। गुस्सा करना, उनसे नफरत करना, उनके साथ गलत व्यवहार करती है, और उनका गलत व्यवहार देखने के कारण घर वाले कभी प्रभु के पास नहीं आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस व्यक्ति का गलत व्यवहार देखने के कारण घर वाले कभी प्रभु के पास नहीं आते हैं। और इसके विपरीत ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु के पास आने के बाद उनका दिल बदल जाता है, उनका चाल चलन बदल जाता है, उनका बर्ताव बदल जाता है, और उनके बर्ताव के कारण और उनके बदले हुए जीवन को देखकर घर के लोग भी यीशु के पास आते हैं और यीशु पर विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये है, यह व्यक्ति के द्वारा उसके घर में, उसके लोगों में परमेश्वर की महिमा हो गई। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप में बदलाव लाएं। प्रार्थना करना अच्छी बात है, बाइबिल को पढ़ना अच्छी बात है, पर समझ लेना ये हमारे जीवन को आए हुए फूल है, उसे आगे जाकर फल बनना चाहिए, ताकि हमारे ओर से, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। हम ऐसी डाली बननी चाहिए जो प्रभु को फल दे रही है, फलती जा रही है, फलती जा रही है। हम ऐसी निकम्मी डाली नहीं बननी है जो बस परमेश्वर से लेना जानती है पर फल नहीं दे रही है। ऐसी डाली को परमेश्वर पिता खुद निकाल देता है। और आगे जाकर प्रभु ने और भी एक बात साफ कर दी है, ऐसी डालियां जिनको दाखलता से अलग कर दिया गया है, वे सारी दाखलता से अलग हुई डालियां इकट्ठा करके उनको आग में डाला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रेम है, वो नहीं चाहता है किसी का विनाश हो जाए, और इसीलिए तो उसने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को धरती पर भेजा। अपने पुत्र का बलिदान इसीलिए कराया कि हम जैसे पापियों का उद्धार हो जाए। उसने हम पर इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है, तो हम परमेश्वर के प्रेम को किस रीति से प्रतिसाद देते हैं? उसने हम पर इतना प्रेम किया तो हम कितना प्रेम करते हैं, हम कैसा प्रतिसाद देते हैं? दुनिया में देखो, लोग इतने अंधकार में भरे हुए हैं कि परमेश्वर की सारी चीजें लेते हैं और उससे नफरत करते हैं, कहते हैं कहाँ है परमेश्वर, कहाँ है परमेश्वर, वो क्या करता है, हमें उनके जैसा नहीं बनना चाहिए। इसलिए बाइबल में कहा गया है, अविश्वास का मन एक दुष्ट मन होता है। परमेश्वर पर अविश्वास दिखाने वाले, उससे नफरत करने वाले लोग दुष्ट मन के होते हैं। हमारा मन ऐसा दुष्ट नहीं होना चाहिए कि हम बस परमेश्वर से लेते जाए। यदि हमने क्रूस के संदेश को जान लिया है, परमेश्वर के प्रेम को और उसके प्रेम की सच्चाई को जान लिया है, तो हमें उस दुष्ट मन के नहीं बनना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप शांत होकर अपनी आत्मा में देखो, आपको अंदर क्या बदलाव करना ज़रूरी है, परमेश्वर आपको क्या बता रहा है। यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है तो आपके पास पवित्र आत्मा है, और यदि पवित्र आत्मा है तो वो अंदर आपसे बातें कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपकी अगुवाई कर रहा है, आपको राह दिखा रहा है, वो आपके जीवन की बातें आपको खोल कर बता रहा है। आपको पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए और उसके अनुसार अपने आप में बदलाव करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
हमें बार बार गुस्सा करने वाले, बार बार दूसरों को श्राप देने वाले, बार बार दूसरों से नफरत करने वाले, ऐसे लोग नहीं बनना चाहिए। कुड़कुड़ाने वाले नहीं बनना चाहिए। हर बात के ऊपर नकारात्मक नज़र से देखने वाले लोग नहीं बनना चाहिए। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और यीशु के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई है, तो अभी हमें अपने आप में बदलाव करना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। अपने इस प्रार्थना घर में हर शनिवार दिन भर की उपवास प्रार्थना होती है। लोग यहाँ प्रार्थना में आते हैं और अपने अपने समस्याओं को लेकर या अपना अपना बोझ लेकर यहाँ पर आते हैं। जितने लोगों ने इस प्रार्थना में भाग लिया है आप अच्छे से जानते हैं, सुबह 10:30 बजे जब से प्रार्थना शुरू होती है अंत तक, यानी आप बोल सकते शाम को 4 बजे तक, हम आपको खुद के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं बताते हैं। ये हमारी प्रार्थना का अंतिम भाग होता है जब हम लोगों को कहते हैं अभी अपने लिए प्रार्थना करो, मांगो प्रभु के पास तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारा दुख, तुम्हारा बोझ, तुम्हारी समस्याएं प्रभु के पास, प्रभु के सामने रखो। ये हम कब बताते हैं? शाम को 4 बजने के बाद। सुबह 10:30 से लेकर लोग यहाँ उपवास करके प्रार्थना में भाग लेते हैं। हम पहले उनको परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, उसके एहसानों को याद करके उसका धन्यवाद करने के लिए कहते हैं, और बाद में जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना होती है, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना होती है, सेवकाई की कितनी सारी बातों के लिए प्रार्थना होती है, दुनिया भर के लोगों के लिए प्रार्थना हो जाती है। और सब होने के बाद शाम को 4 बजने के बाद बताते हैं अभी अपने लिए प्रार्थना करो। ये है परमेश्वर का स्वभाव, ये है परमेश्वर का स्वभाव। जो दूसरों के लिए मांगते हैं उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आ गया है, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं उनके दिल में परमेश्वर का प्रेम उतर आ गया है। हम ऐसे स्वार्थी नहीं बनना चाहते हैं कि बस परमेश्वर के सामने आ जाओ, ये चाहिए वो चाहिए, मेरी ये समस्या है वो समस्या है। सबसे पहली बात प्रार्थना की शुरुआत होती है, दिल साफ करना तो होता ही है, पर दिल साफ करने के बाद करना है उस महान परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी आराधना, उसकी उपासना, उसकी महिमा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है। हम दिन भर लोगों को ये बातें नहीं बोलने के लिए बताते हैं। सुबह जब से लोग आते उपवास प्रार्थना में, ये नहीं बोलते मांगो मांगो मांगो। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा है तुम्हारे मांगने से पहले परमेश्वर पिता जानता है कि तुम्हारी ज़रूरतें क्या है, तुम्हें किन बातों की ज़रूरत है, तुम्हारा बोझ क्या है, तुम्हारी समस्याएं क्या है। तुम्हारे मांगने से पहले ही परमेश्वर पिता जानता है। तो दिन भर इसी बात को लेकर परमेश्वर के पीछे नहीं पड़ना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरे बेटे की शराब छूट जाए, मेरे पति को नौकरी मिल जाए, मेरी शादी को 15 साल हो गए, मुझे बच्चे नहीं है, मुझे बच्चे चाहिए। दिन भर ये बात लेकर परमेश्वर के पीछे नहीं पड़ना है। परमेश्वर की आराधना करो, उसकी महिमा करो, उसकी उपासना करो। ये होने के बाद दूसरों के लिए प्रार्थना करो और अंत में अपने लिए छोटी सी प्रार्थना करो। परमेश्वर पिता आसमान से आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको जवाब दिए बगैर नहीं रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम घर में भी व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, आप 1 घंटा करो या 2 घंटा करो, आपके प्रार्थना का स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए। आप प्रार्थना में बैठे बैठे अपने लिए मत मांगो, पहले अपना दिल साफ करो, बाद में परमेश्वर की आराधना करो, महिमा करो, और फिर जाकर दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आप दूसरों की समस्याएं देखते हैं, दूसरों की परेशानियां देखते हैं। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हम जैसे पापियों के लिए दे दिया, उसने हम पर प्रेम किया। बाइबल कहती है उसने अपना इकलौता पुत्र भी अपने लिए रख नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे लिए बलिदान कर दिया। उसने हम पर पहला प्रेम किया है। हम जब प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं या विनती करते हैं, हमें दूसरों के लिए पहली करनी चाहिए।
और फिर अंत में जाकर अपने लिए छोटी सी प्रार्थना करनी चाहिए। बहुत लंबी बातें मत बोला करो, वो सब कुछ जानता है, वो आपका दिल देखता है। आप विश्वास के साथ छोटी सी प्रार्थना करो, प्रभु सुनेगा, जवाब देगा और आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुनिया की तरह स्वार्थी मत बन जाओ, परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतरना चाहिए। जगह जगह आप देखो लोग स्वार्थी बन गए हैं, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा। आप प्रभु को फल देना चाहते हैं, परमेश्वर को फल देना चाहते हैं, आप दूसरों का फायदा पहला करो, आपका फायदा परमेश्वर बहुत बड़ा कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार केंद्र में एक बहन ने गवाही दी थी, उस समय केंद्र में प्रार्थना में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी और जाते समय बस में भी इतनी भीड़ रहती थी कि लोग भी एक दूसरे को धकेल कर मेरा नंबर अंदर लग जाए इसके लिए कोशिश कर देते थे। उस समय की बात है, एक बहन ने गवाही दी थी कि बस में बहुत भीड़ हो रही थी और वो और उसके साथ घर के भी दो तीन जन थे और वे जाना चाहते थे, पर उन्होंने देखा कि बहुत लोग हैं तो उन्होंने सोचा लोगों को पहला जाने दो, हम बाद में जाएंगे। इनको भी बहुत दूर जाना था तो भी ये रुके रहे, लोगों को पहला जाने दो, पर ये रुके रहे और बस इतनी भर गई कि इनको अंदर जाने की ज़रा भी जगह नहीं हुई। वे निराश होकर रुक गए, दो या तीन बस पूरी भर गई थी और इनका परिवार इस प्रतीक्षा में था कि पहले लोगों को जाने दो, बाद में हम अंदर चढ़ जाएंगे। उनको जगह नहीं मिली, बस भर के निकल गई, परिवार के दो तीन जन निराश होकर खड़े हैं। 10 मिनट नहीं हुआ, उतने में एक कार आ गई। ये बहन बताती, हमने बिना हाथ किए कार वाले ने गाड़ी रुकाई और कहा अंदर बैठो, हम आपको स्टेशन तक पहुँचा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें बड़ा अचंभा लगा कि हमने इनको रुकाया भी नहीं, कार पूरी खाली थी, उसने खुद रुकाया और इनके परिवार को कहा अंदर बैठो, हम आपको स्टेशन तक छोड़ देते हैं। और उन्होंने उनको जाकर स्टेशन में छोड़ दिया, ना पहचान, ना इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया था, कुछ बताया था, कुछ नहीं। इसलिए मैंने कहा आप पहले दूसरों का फ़ायदा करा दो, तुम्हारा फ़ायदा प्रभु बहुत बड़ा कर देगा। लोग भीड़ में घुस घुस के चढ़ गए और ये आराम से कार में बैठ के निकल गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुनिया क्या कहती है, मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए, मेरा फ़ायदा हो जाए। ब्रदर भी हमेशा कहते थे आप दूसरों के लिए प्रार्थना करो, आप जितने दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे ना उससे कई गुना आशीष प्रभु आपको देगा। आप मांगोगे दूसरों के लिए, प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। पर दूसरों के लिए मांगने का भी एक दिल होता है, दूसरों के लिए मांगने के लिए भी एक ताकत लगती है। आसानी से अपनी जीभ हिलती नहीं है, अपनी जबान आसानी से हिलती नहीं है। प्रभु मेरे पड़ोस में एक बहन है, कितने दिन से वो डायबिटीज से परेशान है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, प्रभु अनुग्रह कर उसे अच्छा कर दे और ऐसा अनुग्रह कर कि उसे तेरी ज्योति मिल जाए। ये बोलने के लिए जबान हिलनी चाहिए, क्योंकि ये ताकत इसीलिए लगती है, उस पड़ोसन ने आपको कुछ दिन पहले गालियाँ दी होगी, पानी के कारण या और किसी कारण कुछ झगड़ा हुआ रहेगा, तो अभी आप प्रार्थना में बैठे हैं, उसकी परेशानी देखते हैं, पर आपकी जबान कैसी हिलेगी कि प्रभु इसे अच्छा कर। इसके विपरीत आपको ऐसा लगेगा अच्छा हो गया, उसने मेरे साथ झगड़ा किया था ना, इतनी सारी गालियाँ दी थी मुझे, सबके सामने मेरा अपमान किया था, अभी अच्छा हो गया, इतनी बीमार हो गई। नहीं, ये हमारा दिल नहीं होना चाहिए। हमारा प्रभु जब क्रूस पर तड़प रहा था, जो नीचे खड़े थे उसका मजाक कर रहे थे, उसे हंस रहे थे, उसको सता रहे थे, प्रभु ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह परमेश्वर का दिल और यही दिल, यही परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर उतर आना जरूरी बात है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना बहुत करो, बाइबिल बहुत पढ़ो, पर साथ ही साथ बाइबिल का अनुकरण करना शुरू करो। अपने आप में बदलाव करो। परमेश्वर के समान स्वभाव हमारे अंदर आना चाहिए। हम सचमुच परमेश्वर के समान बनने चाहिए और हमारे द्वारा दुनिया में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल मिल जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपका नाम बताइए। पोपट जाधव। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही है, मेरा उम्र जब 6 साल का था, 6 साल का उम्र था, उस समय कुछ खेती बाड़ी का लफड़ा था और गांव का जो मुखिया होता है उसने हमारे खेती पे कब्जा कर लिया था। और वो कब्जा करने के बाद मेरी माँ गई, बोले तुम हमारे खेती पे क्यों कब्जा किया? लेकिन वो गांव का मुखिया होने के नाते शाम को घर पर आके मेरे माँ को मारने लगा। अब मैं छोटा था तो माँ को जो मार रहा था, तब मैं अपने माँ से ऐसे पकड़ा, माँ बहुत मार रहा था। माँ को बचाने के लिए आप माँ को ऐसा पकड़े? ऐसा पकड़े तो उसने क्या किया, मेरे ये दोनों हाथ पकड़ के मेरे को फेंक दिया। और फेंकने के बाद जो गांव में काला पत्थर होता है, वो बकरी बांधने के लिए वो पत्थर गाड़ा गया था, ऐसा लंबा था, वो पत्थर में ऐसा नोक निकल गया था, उसी पे मैं, मेरा ये जो पाव है उसी पे टक्कर गया। यानी कि उसी पत्थर के नुकीले पे आप गिर गए? हाँ। तो उस समय ये मेरा अभी भी है निशान, है जरा दिखाइए। ये जो निशान पैर में दिख रहा है यही है ना? हाँ यही है, यही है ना? हाँ यही है। तो मेरे को चलने में बहुत दिक्कत, वो समय जब 2-3 दिन हो गया तो मेरी माँ तो चली गई, माँ मर गई, तो इसको दवा पानी कोई करने वाला है ही नहीं। अब अपने पास पैसा वैसा है ही नहीं, तो जो पड़ोसी में एक मेरी चाची लगती थी, उसने कोई पत्ता बित्ता ला के वो फीस के बांध दिया था, उसके बाद वो सड़ गया, ऐसे करके चल रहा था। मगर फिर उन्होंने कुछ लगाया था ऐसे करके, लेकिन चलने में बड़ी दिक्कत आता था, दर्द होता था। अभी उसके बाद बहुत सा उम्र 25 की हो गए तो मैं एक डॉक्टर के पास गया, भाई मेरे पाँव में ऐसा ऐसा है। तो बोले भाई पैसा लगेगा, तो पैसा तो उतना ही नहीं, तो मैं छोड़ दिया। हम बोला जैसे आए चलने दो। फिर वैसे ही था, जब मैं बैठता तो ऐसा लंबा करो, फिर ऐसा धीरे धीरे करो, और जब ज़्यादा चल जाता तो बहुत तकलीफ हो जाता था। यानी कि झट से ना ही बैठ पाते थे, ना ही झट से चल पाते थे, ना ही चल पाते थे ऐसा? हाँ, कुछ नहीं हो पाता था, यानी कि बहुत तकलीफ था। आ गया संडे को, यहाँ पर जब प्रार्थना चालू था, मेरे पाँव पे कितना आदमी गिरा कि एक आदमी गिरा मुझे पता नहीं। आपके जो जख्म, जो चोट लगा उसी पैर पे, बाएं साइड में? हाँ, इसी पैर पर गिरा। आज जब प्रार्थना खलास हो गया तो मैं देख रहा हूँ मेरा पाँव तो मैं टन करके खड़ा हो गया, ऐसा झट से खड़े हो गया। अरे हम बोला ये प्रभु ये क्या किया, ये तो बड़ा चमत्कार किया यार, मैं 60 साल से सहन कर रहा हूँ, अभी तो ठन ठन हाल रहा है मेरा पाँव। इतना यानी सामर्थ्य, दर्शन चल रहा था, प्रार्थना चल रहा था, कोई पवित्र आत्मा के द्वारा आपके पैर पे गिर गया, प्रार्थना खत्म होने के बाद झट से आप खड़े हो गए, पैर आपका पोजिशन में आ गए। मैं बोला धन्यवाद प्रभु ये क्या किया, अरे 60 साल से जख्म लेके चला आज तुम 2 मिनट में मेरा। 60 साल ऐसा लेके उम्र में आप चलते रहे? अरे और एक हफ्ता हो गया पूरी तरह से ठीक हो गए? एक हफ्ता, उसी समय कितना आदमी गिरा कि एक आदमी गिरा पता नहीं, लेकिन महसूस हो गया कि कुछ तो लगा है, कुछ लगा ऐसा महसूस हुआ। मैं बोला मेरा इधर का पाँव चला गया कि क्या मालूम, एक तो यही कर आप, लेकिन नहीं, प्रभु ने मेरा ये पाँव रिपेयरिंग कर दिया। प्रभु यीशु ने आपका भी पैर ठीक किया, अभी आप बैठ सकते हैं।
बैठ सकते, उठ सकते, उड़ी मार सकते, ऐसा जरा बैठ के दिखाइए। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी अभी आप उड़ी भी मार सकते हैं, उड़ी भी मार सकते। प्रभु ने इसने आपको ठीक कर दिया। इस बहन का नाम अंजलि मंडल है, ये इनकी रिश्तेदार है, इनका नाम रूपाली है। ये बहन बता रही है कि इनके रिश्तेदार को गए 2 महीने से शारीरिक तकलीफ हो रही थी और तकलीफ एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो बेहोश हो गई। उनके घर के लोग उनको उठा करके दवाखाना लेके गए, अस्पताल लेकर गए और वहाँ पे उनके ऊपर जांच शुरू थी और उपचार भी शुरू था, लेकिन वो बेहोश हो गई थी, उनको बिल्कुल भी होश नहीं आ रहा था। ये बहन बता रही है कि उस दिन शुक्रवार का दिन था, ये बहन यहाँ पर प्रार्थना में आई हुई थी और सिस्टर ने उस दिन पहली बार तीनों भी वचन लेना शुरू किया था। ये वचन सुन करके ये बहन अपने घर गई और वहाँ पर फ़ोन करके इसके कान के ऊपर फ़ोन लगाया गया था। ये बहन अहमदाबाद में रहती है और ये बहन नालासोपारा में रहती है। इनके कान के ऊपर फ़ोन लगाया गया था, ये बहन बेहोश थी और उस समय पर ये तीनों भी वचन ये बहन अपने मुंह से बोलने लगी और उसको सुनाने लगी। प्रभु का अनुग्रह हो गया, वचन सुन करके इनको होश आ गया और उस दिन के बाद से अब लगभग 4-5 महीने से अधिक समय बीत चुका है, उसको वो शारीरिक तकलीफ बिल्कुल भी नहीं हुई। प्रभु यीशु ने उसे पूरी तरह से चंगाई दी है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन इसे ज़्यादा तकलीफ हो गई थी, बेहोश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ। उसका पूरा घर वाले रो रहा था, कितना डॉक्टर कितना कुछ, उसको कुछ असर नहीं पड़ता था, कितना भी दवाई करता था। आधो महीने से ऐसा ही चल के एक पहले उस दिन पूरा तरह बेहोश होकर गिर गया, उसका कुछ भी होश नहीं था, सब उसको फैमिली रोने लगा और उसको लेके हॉस्पिटल गया। तो हम उसका माँ मेरा पास था तो उन्होंने बोला उसके लिए प्रार्थना करो। तो हम उधर से शुक्रवार का दिन था तो घर गए, तो रात को उसको 12 बजे रात को उसको बेहोश हुआ था। तो उसी दिन हम विश्वास से सब रूम बंद करके उसको माँ को साथ हमें प्रार्थना घुटना टेक के बहुत घंटा के और फोन में उसको तीनों वचन को पढ़ा। तीनों वचन आपने फोन के द्वारा उसको सुनाया? हाँ, तीनों वचन बोल सकेंगे? हाँ, मैं तुम्हें चंगा करने वाला यह हुआ हूँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। ये तीनों वचन आपने उनको फोन के ऊपर से सुनाया था? उसको आधे घंटे के बाद जो होश नहीं आता था वचन सुनते ही उसको होश आया, वचन सुन करके उसको होश आ गया। होश आ गया दिन से लेके अब तक उसको कोई बीमारी ना कुछ भी नहीं होता और ठीक है, अच्छा है। उस दिन के बाद से बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई। आप बेहोश हो गए तो आपको कुछ ध्यान में है? नहीं, कुछ भी ध्यान में नहीं। उन्होंने आपके लिए वचन बोला, आपके कान पे फोन लगा था, इतना तो भी पता है क्या? हाँ। इतना मालूम है आपको? उसके बाद से आपको शारीरिक तकलीफ कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। अभी आप पूरी तरह से ठीक है? पूरी तरह से ठीक है। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम दीपक राठौड़ है। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही तो नहीं है पर ये भाई की गवाही है जो हमारे पहचान के है और हमारे एरिया में ही रहते हैं। उनकी गवाही ऐसे है कि 2 महीने पहले हम जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वो ऐसा बता रहे थे कि उनको बहुत मानसिक तकलीफ़ है और वो इतना तकलीफ़ है कि वो रात को नींद नहीं पा रहे थे और उनको मरने का भी ऐसे ख्याल आते थे कि हम मरने का भी ख्याल ऐसा? हाँ बिल्कुल, वो मरने का भी ख्याल आते थे कि हम अपने पंखे पे शटर बन के, दुकान है उनका चक्की का, शटर बंद करके हम मर जाएंगे, ऐसे ऐसे ख्याल आते थे उनको। तो हमने बोला कि भाई ये कोई सही बात नहीं है, हम ऐसी जगह आपको मतलब लेके जाएंगे जहाँ पे आपको ये सब चीज़ों को आप अलग तरीके से देखोगे, आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो फिर उनको हम यहाँ पर लेके आए और पहले वक्त में उनको इतना महसूस नहीं हो गया पर दूसरे हफ्ते में उसके बाद उसको प्रभु का ऐसा अनुभव हो गया, ऐसी सुकून आ गई कि अब जो हम ऐसे बताते कि आपको क्या तकलीफ थी या आप किस चीज़ के ऐसे टेंशन में थे या आपको बात थी तो बात करना नहीं चाहते, बल्कि हमको शांति मिल गई वही हमारे लिए काफ़ी है। यानी कि 2 महीना पहले इनको ये भाई को प्रभु का सुसमाचार बताए और प्रार्थना में लेके आए, जब पहले हफ्ते लेके आए तो कुछ नहीं हुआ, दूसरे हफ्ते के बाद प्रभु का अनुग्रह हो गया, इनका जो आत्महत्या का विचार टेंशन था पूरी तरह से निकल गया है और अभी वो यहाँ पे हमेशा आने लग गए। जैसे मैं भी कभी रहूँ ना रहूँ मगर ये भाई अपने जगह पे ये टाइम पे आ जाते हैं। प्रभु यीशु की महान स्वर्गीय शांति आ गई है। भाई ये बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं?
हाँ एकदम सही। आपके मन में मतलब विचार आता था आत्महत्या करने का, बहुत टेंशन में रहते थे? बहुत बहुत। लेकिन अब आप एकदम शांति है, सुकून है, प्रभु ने आपको शांति दे दिया। महान है प्रभु अपना। भाई ये भाई को प्रभु ने आशीषित किया है, चंगा किया है, इनके आत्महत्या के विचार से बाहर निकाला है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, सन 2015 की गवाही है। 2015 में मेरे इस बाएं हाथ में यहाँ का जो भाग होता है, ये इतना भाग जो है वो इतना ज़्यादा सूज जाता था। लगभग 1.5 महीने तक ये तकलीफ हो रही थी, ये हाथ इतना सूज जाता था और फिर वापस से एक हाथ सप्ताह में वो पचक जाता था और फिर से सूज जाता था। और सूजन आने से पहले उस भाग पर इतनी ज़्यादा खुजली मालूम पड़ती थी और जलन महसूस होती थी। मेरे साथ में जो बहनें थी वो कुछ ना कुछ उस जगह पर लगाती थी, नीम का पत्ता हो या कुछ और अलग प्रकार का पेस्ट होता था वो, या केले का छिलका रहता था वो लगाती थी। लेकिन 1.5 महीने तक मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी और मुझे कपड़े पहनने के लिए भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि यहाँ का जो सूजन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और ये उंगलियाँ पूरी तरह से टाइट हो जाती थी, ये अंगूठा सूज जाता था, उंगलियाँ टाइट हो जाती थी, इतना ज़्यादा मुझे परेशानी होता था और इस हाथ से मुझे कुछ करने के लिए भी जम नहीं रहा था। 1.5 महीना बीत गया, उसके बाद सिस्टर नीचे आई हुई थी, वंदना सिस्टर, और उन्होंने मुझे बुला करके आशीष दी। आशीष लेने के बाद मैं नीचे गिर गई, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे उठाया और कहा, वापस से उन्होंने दूसरी बार मुझे आशीष दी। तब से लेकर के अब तक लगभग 7 साल बीत चुके हैं, ये तकलीफ पूरी तरह से प्रभु ने निकाल दी है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद देती हूँ। वैसे मेरी दूसरी गवाही है, 3-4 महीने पहले मुझे बहुत ज़्यादा खांसी की तकलीफ़ हो गई थी। खांसी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे 2 वाक्य भी यदि किसी को बोलना हो तो मुझे मुँह के ऊपर रुमाल लगाना पड़ता था, इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। 2 वाक्य भी मैं साफ साफ बोल नहीं पाती थी और ठीक से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, और साथ में उतर चढ़ करके बुखार भी आ रहा था। और घर वालों ने बताया कि कुछ सिरप होता है वो ले लेना, सिरप लेने के बावजूद भी, सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन प्रभु का वचन बोलते रहने से, और फिर मैंने सिस्टर के पास से आशीष ली, प्रभु का अनुग्रह हो गया और तब से लेकर के अब तक 3-4 महीने बीत चुके हैं, प्रभु ने मुझे इस खांसी से और बुखार से पूरी तरह से छुटकारा दिया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को पूरे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद दो। आपका नाम बताइए। शर्मिला विश्वकर्मा। क्या हुआ था आपको? मुझे 2 महीना पहले जुलाब हो रहा था, 2-3 दिन अचानक जुलाब हुआ, उसके बाद में मुझे आव पड़ने लगा और दिन में ऐसा 25-30 बार होता था। 25-30 बार एक दिन में? एक दिन में 25-30 बार होता था। और मैं खाना पीना एकदम से छोड़ दी थी, खाली मैं इलेक्ट्रॉल का पानी पी रही थी बस, और कुछ नहीं। मैं 6 दिन ऐसे ही रही, मैं कुछ खा पी नहीं रही थी और मुझे उल्टी जैसा भी होने लगा था, तो कुछ भी खाने को जाती तो उल्टी के जैसा हो जाता और खाने की इच्छा नहीं, और उसी में मुझे बुखार भी चालू हो गया था, ठंडी लेके बुखार चालू हो गया। और हमने घर में फिर मेडिकल से दवाई मंगाई तो दवाई कुछ असर नहीं किया, तो दवा खाने से गोली लेके आया, तो दवा खाने से गोली लाया तो एक ही बार खाया तो मुझे खून जाने लगा, तो फिर से मुझे तकलीफ़ बढ़ गई, तो फिर दिन भर में मैं 10-15 बार फिर खून जाने लगा, तो उसके बाद फिर प्रार्थना इधर से करवाए, फ़ोन किया था और प्रभु का तेल और आशीषित मिट्टी प्रार्थना ये सब यूज करके और तीनों वचन बोलते रही और उसी से मेरा ठीक हो गया। और मैं मेरा बुखार जो था, मेरा 2 महीने का जो बुखार था वो मेरा हड्डी में जैसा बुखार था, वो मेरा बुखार जा नहीं रहा था, तो मैं इधर आई थी तो बहन लोग प्रार्थना करती थी, मैंने बताया कि मुझे ये बुखार जा नहीं रहा है, मेरा बदन दुखता है और अंदर से बुखार रहता है, तो प्रार्थना किया तो फिर वो बुखार भी चला गया, अभी 1 महीने से बुखार भी नहीं है और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। और मेरी तीसरी गवाही है कि मैं इतना मुझे खांसी आता था कि मुझे 2.5 महीना हो गया, मैं बहुत खांसती थी, इतना खांसती थी ना कि वो मेरे मुंह से और नाक से इतना कप गिरता था, मैं रात को उठ उठ के भी नाक से ऐसा छिड़कती थी तो खून निकल वो था
कप निकलता था और दिन भर में इतना इतना कप निकलता था। पूरा दिन मैं इतना परेशान थी, मैं इधर प्रार्थना में आती थी, बैठती थी, मेरा दम घुटता था, मुझे जाने को नहीं मिलता था, मुझे उल्टी के जैसा आता था, मैं बहुत घबराती थी। लेकिन प्रभु को मैं अपने उनके हाथ में मैं अपने आप को सौंप के बैठती थी। लेकिन आज प्रभु ने मुझे उस खांसी से, उस कप से मुझे पूरी तरह से छुटकारा दे दिया, इसलिए मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कर। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुनीता आर्या। क्या गवाही है आपकी बेटी की? मेरी बेटी का गवाही है कि इसको 2 महीने से खांसी आ रहा था, इतना खांसती थी कि ये उल्टी कर देती थी, बहुत इसको तकलीफ होता था। ये खांसती थी तो ऐसा सीना पकड़ के खांसती थी, स्कूल जाती थी तो उधर भी टीचर ने छुट्टी कर दिया था कि तुमको खांसी आ रहा थोड़े दिन घर पे रुको। अभी इधर आई तो ये जब भी सिस्टर वचन बोलते थे तो अपने सीने पे हाथ रख के वचन बोलती थी। अभी इसका 15 दिन हो गया, पूरी तरह से खांसी निकल गई है। वचन बोलते रहने से उसकी खांसी अभी पूरी तरह से निकल गई? हाँ, उसका खांसी निकल गया, अभी नहीं खांसती है। मतलब इतना उसको खांसी पहले बढ़ चुका था कि वो सीने पे हाथ रख कर खांसती थी? हाँ, बहुत खांसती थी वो। प्रभु ने उसको पूरी तरह से चंगाई दी है, प्रभु ने उसको ठीक किया? हाँ, ठीक किया। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और अगली क्या गवाही है उसकी? अगली गवाही है उसको कि उसका 2 दिन बहुत पैर दुखा था, इतना पैर दुखता था उसका कि ऐसा वो हाथ लगाती थी तो कोई हाथ लगाता था तो बहुत जोर से चिल्लाती थी। हाथ लगाने पे भी उसको दर्द होता था? हाथ लगाती थी क्या, ऐसा कोई ऐसा रास्ता ऐसा जाता था उसके साइड से उसको धक्का लगता था तभी वो चिल्लाती थी। बेटा ऐसा तुमको हो रहा था, किसी न किसी का अगर धक्का लगा तो भी दर्द होता था? हाँ। इतनी तकलीफ पैरों में दर्द हो रहा था? हाँ। तो तुम्हारा दर्द कैसे निकल गया? वचन बोलने से। वचन बोलने से? हाँ। ये कब किस समय पे हो गया? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले, मतलब गए सब 3 दिन से तुमको तकलीफ थी, गए शुक्रवार को यहाँ प्रार्थना में आई थी। हाँ। तो उस दिन शुक्रवार के दिन जब भी वचन बोल रहे थे सिस्टर, उस समय पे तुमने अपने पैरों पे हाथ रखा था? हाँ। और तब से अभी पैर में दर्द नहीं? नहीं, पूरी तरह से चंगाई मिल गई। हाँ। और आपकी अगली क्या गवाही है? मेरी गवाही है जब मैं आ रही थी आज प्रार्थना के लिए तो रास्ते में मेरे को इतना ज़ोर से घबराहट होने लगा, मेरा ऐसा मन करता था कि अभी मैं घूम के जाऊँ, प्रार्थना में न जाऊँ, इतना मेरे को घबराहट होने लगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने वचन बोलने लगी, ट्रेन में बैठ गई, वचन बोली कि हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। ऐसे ही मैं 3 वचन बोल के आई, यहाँ तक आई तभी भी मेरे को घबराहट ही हो रहा था। जब भी मैं यहाँ आई चाय पी प्रार्थना करके तो पूरी तरह से मैं चंगी हो गई, अभी घबराहट नहीं होती है। यहाँ का आपने चाय पिया विश्वास से और उसके बाद से घबराहट बिल्कुल भी नहीं है? हाँ, पूरी तरह से मैं चंगी हो गई। मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। दिल में शांति महसूस होती है? हाँ, पूरी तरह से मुझे शांति मिली है। आपका नाम क्या है? नेहा मंडल। आपके बेटे को क्या हुआ था? वो यहाँ चोट लग गया था, गिरा था ना तो उसको तो चोट लग गया, तो 2-3 महीने होगा तो छूटा नहीं, तो मेरा चाची तेल मट्टी लगा उसको पूरा निकल गया। 3-4 महीने उसके सर पर मार लगने के वैसे घाव हो गया था? हाँ, घाव हो गया था, इतना बड़ा फूल गया था तो नहीं छूटता था, तो मेरा चाची तेल मट्टी लगा वो पूरा निकल गया, उसको दग्गी भी न। कितना उसका सर मतलब बढ़ गया था, सूजन आ गया था? बड़ा था, इतना बड़ा था उसको सर, कभी निकलता ही नहीं था, तो मेरा चाची मट्टी तेल लगा तो अपने से वो निकल गया, इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देते। और आपके ये बेटे को क्या हुआ था? वो मिट्टी का तेल आता है ना तो ही पी गया, उधर रहते थे दिल्ली में तो मेरा माँ प्रार्थना करता था, मिट्टी का तेल पी गया और रोते रोते कोई बेहोश हो गया, उसको बदन में कोई होश नहीं था, तो मेरा माँ का प्रार्थना था यही शुक्रवार को, तो प्रार्थना करके उठा तो तेल मिट्टी लेके उसको पेट में भी लगा, उसको पिलाया, वो अपने से उठ के खेलने लगा, खाना भी खाने लगा, जैसे कोई चंगा कर देता ऐसा ही उसको होने लगा। उसने घासलेट पी लिया था? हाँ, मिट्टी का घासलेट था वही पी लिया था, कोई दिक्कत लगता क्या था, जैसे मर गया ऐसे हो गया था, तो प्रार्थना से उठ के उसको तेल मिट्टी लगाया, अपने से चंगा होगा, उठ के खेलने लगा, खाना भी खाने लगा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और उसको क्या हुआ था आगे? पैर में था ना किला ने था वही घर के, खून बहुत निकलने लगा, इतना सूजन हो गया, बुखार भी था तो दवा भी नहीं करने गए थे, उस दिन भी मेरा मम्मी का शनिवार का था उपा, और जब वहाँ से निकला
तो बोला क्या तुम बच्चे को ला, हम तेल मट्टी लगा देते, पैर में भी लगा दिया, उसको पिलाया। उसी दिन से उसको जख्म गया जो पता ही नहीं चलता जो जख्म किधर गया। कितना पैर उसका सूज गया था? इधर बहुत, इतना बड़ा था, इतना बड़ा किला अंदर हो गया था। इतना बड़ा किला? हाँ, लकड़ी में जो रहता ना वही किला अंदर हो गया। मेरी मम्मी बुलाया जो उसको लाओ मैं ठीक कर दूंगा, तो तेल मट्टी पिलाया, पैर में लगाया, वो अपने से चंगा हो गया। और उसको पेट में कभी से परेशानी हुई? पेट में दर्द था, जब एक साल का था ना तो पेट बहुत दुखता था, करीब 12 बजे रात पेट उसको दुखा। तो एक लेडीज था उधर ही, वो करता है प्रार्थना, तो ही बोला क्या तुम विश्वास से तेल लेके उसको पेट में लगा, पूरा दर्द निकल जाएगा। तो तेल लेके हम रोके प्रार्थना के, उसको ऊपर लगाए, और जो सुबह डायरेक्ट सुबह ही उठा, उसको पेट भी नहीं दुखा। उसी दिन से पेट जो दुख छुटा है, अभी तक भी उसको पेट में कोई तकलीफ नहीं, वो अच्छा होगा, हर जख्म उसको अच्छा होगा। इसीलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने विश्वास से प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु ने आपके दोनों बेटे को ठीक किया है। विश्वास से प्रार्थना किए, दोनों बच्चे को हमारा ठीक कर दिया। इस बहन का नाम रीता गुप्ता है। इनके लड़के को 3 महीने से बुखार आ रहा था और उसी दरमियान 3-4 बार उसको ऐसी तकलीफ हो गई कि संडास के द्वारा खून गिरने लगा। उस समय पे इस बहन ने जांच की, लेकिन डॉक्टर बोले कि शायद कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। उस वजह से बहन डर गई, इन्होंने आगे कोई भी चेक नहीं किए और फिर इन्होंने विश्वास से प्रभु के पास प्रार्थना करना शुरू किया। उसी समय पर उनको ऐसा लगा कि निवास शिविर में भाग लेना चाहिए, वहाँ पर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इन्होंने पिछले महीने में 4 तारीख को निवासी शिविर में ढाणू में जाकर भाग लिया। उस शिविर में प्रभु का अनुग्रह इस बेटे पर हो गया और उस दिन से उसका बुखार आना और जो लहू गिरने की बीमारी थी वो पूरी तरह से ठीक हो गई है। इसीलिए आप ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। करता यीशु
जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। अपना पूरा ध्यान उस महान प्रभु की ओर लगा कर रखो, अपने आँखों को बंद करो और आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। वो आपसे दूर नहीं है, आपके बहुत नज़दीक है। अपना मन उसकी ओर लगाओ। जो भी बोझ आपके जीवन में है, जो भी दुख दर्द आपके जीवन में है, ये सारा बोझ अपना सारा दर्द प्रभु के हाथ में दे दो। परमेश्वर का वचन कहता है अपना सारा बोझ अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, वो परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं छोड़ देता। वो आपको चंगा करना चाहता है, वो आपको शैतान के बंधन से आजाद करना चाहता है, वो आपके जीवन के हर दुख को खुशी में बदलना चाहता है। और इसलिए अपना पूरा बोझ उसके हाथ में दे दो, जिससे हमारी सच्ची परवाह है, जो हमसे सच्चा प्रेम करता है। अपनी मन की चिंताओं को विचारों को दूर कर दो और आत्मा से प्रभु को देखो। अपनी आत्मा में प्रभु को देखो, उसके महान प्रेम को देखो, उसके महान सामर्थ को देखो और उसका धन्यवाद करो, उसका महिमा करो। उसी ने हमें बनाया, उसी ने हमें जीवन दिया, वो ही हर दिन हमें जिंदा रखता है, वो ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। आज हम जो भी है उसी की वजह से है। उसी ने बड़ा अनुग्रह करके उसके भवन में हमें इकट्ठा किया है, उसके पवित्र चरणों के पास हमें इकट्ठा किया है। दिल खोलकर उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका प्रेम आसमान से भी ऊंचा है, समुंदर से भी गहरा है। इतना प्रेम उसने किया है कि हमारे खातिर स्वर्ग छोड़कर इंसान बनकर वो धरती पर आया और हमारे सारे अधर्मों को उसने खुद पर उठाया, हमारे सारे पापों को उसने खुद पर लिया और हमारा दंड लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ। अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो। ये क्रूस परमेश्वर का सबसे महान और सबसे बड़ा प्रेम है, जो उसने हम पापियों पर किया है। उसने हमें बचाया, उसने हमें जीवन दिया, उसने हमें छुटकारा दिया, उसने हमारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खोला, हमारा नाम जीवन के किताब में लिख दिया। धन्यवाद करो उसका। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ और दिल खोलकर कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे बचाया, तूने मेरा उद्धार किया, मुझे जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे खुशी दी, मुझे शांति से भर दिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। धन्यवाद प्रभु तेरे अनमोल प्रेम के लिए, तेरे असीम प्रेम के लिए। तुझे धन्यवाद 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 धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अभी उस महान प्रभु के सामने अपना दिल खोलो। वो पापों की क्षमा करने वाला प्रभु है। अपना दिल प्रभु के सामने खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले के विचार है, उन सबों को क्षमा करो। ये प्रभु की आज्ञा है। प्रभु चाहता है हमारे दिल में गुस्सा ना रहे, नफरत ना रहे।
आपके हर दुश्मन की याद करो जिन्होंने आपको सताया, आपका नुकसान किया, आपको बर्बाद किया। उन सबों की याद करो, उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ, क्षमा करो। आपके घर के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, जिन जिन के खिलाफ आपके दिल में गुस्सा है, सबको क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, नम्र बन जाओ और हर पाप प्रभु के सामने कबूल करो। जो पापों को कबूल करते हैं उन पर परमेश्वर दया करता है। हमारे बताने से पहले प्रभु हमारे सारे पापों को जानता है, पर यह हमारा फर्ज है कि हमने खुद अपने पापों को कबूल करना चाहिए। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोल दिया है, कबूल करो। आपके जीवन के सारे बुरे काम कबूल करो और प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझसे कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने सारे पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो। यह समय है पापों के लिए रोने का। अपनी बीमारी के लिए या किसी परेशानी के लिए मत रो, पापों के लिए रो। पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। आंसू बहाकर नम्रता से कहो, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझे दुख हो रहा है, मेरे पापों के लिए मुझे बुरा लग रहा है। सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, क्योंकि प्रभु आपसे दूर नहीं है, आपके नजदीक है, वो आपके दिल की ओर देख रहा है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर बलिदान किया है। अपनी आत्मा में प्रभु के क्रूस के सामने आओ, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है,
स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इससे क्षण निकल जाए, शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहिरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं है उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इससे क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु के आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इससे क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो जोर से, उच्च आवाज में बोलो धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल पानी रुमाल और जिन चीजों पर आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ, प्रभु यीशु उनके ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके आत्मा की मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। जिन्होंने पहले ही प्रभु पर विश्वास करके उद्धार को पाया है आपको ये प्रार्थना बोलने की जरूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन।
हालेलुया 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।